हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर का आज का दिन कैसा रहेगा। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का आज का दिन कैसा रहने वाला है। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का आज का दिन कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड है अटैचमेंट। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब ये आता है तो ये होता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं और यहां पर है भी 515 की वाइब्रेशन है, अप्रिशिएशन। नेक्स्ट इज सेवन चक्र, आर्क एंजल यूरियल। बॉटम से एंजाइटी की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर आज बहुत ज्यादा टेंशन में रह सकते हैं, ठीक है। ये जो टेंशन वाली एनर्जी है ये इनकी खुद की क्रिएटेड रहेगी, या तो पास्ट में क्रिएट की होगी या फिर न्यू रिसेंटली क्रिएटेड हो सकती है। तो आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो ये आपको लेकर बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील कर सकते हैं, आपको दूर कहीं से स्पाई कर सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो अंदर ही अंदर सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि चलो आप सही रास्ते पर हैं, या आप आज भी इनको चाहते हैं। ये आपको किसी न किसी तरीके से ब्लेसिंग्स देने की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, जैसे आपको लेकर खुश हो, अंदर ही अंदर हैप्पीनेस की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। आज के दिन में आपके पार्टनर को किसी से अप्रिशिएशन मिल सकता है, स्पेशली जिनके साथ इनका अटैचमेंट रहा है। ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, अगर आपकी इनसे बातचीत हो रही है तो आप भी इनके अच्छे काम के लिए इनको अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। आज के दिन में आपके पार्टनर करियर रिलेटेड कुछ गोल्स को बना सकते हैं। अगर बिजनेसमैन है तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ और क्रिएट करने की, कुछ और बड़ा एडवेंचरस करने की, जो इनकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आए, अबंडेंस लेकर आए। बहुत ज्यादा प्लान मेकिंग एनर्जीज पे है ये, ठीक है। और ये जो प्लानिंग होगी ये सक्सेस वाली होगी, क्योंकि यहां पर क्राउन चक्रा है एंड विक्ट्री है, मतलब टॉप मोस्ट चक्रा से क्लैरिटी, ठीक है। तो इनकी सिचुएशन में आज के दिन इनको कोई ना कोई विक्ट्री मिलने वाली है करियर रिलेटेड। अगर ये स्टूडेंट रहे हैं या ये जॉब में थे, कहीं और एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि आपके पर्सन का कहीं सिलेक्शन हो जाए, कोई काम बन जाए, स्पेशली सक्सेस मिलने की एनर्जी है। आज के दिन में आपको लेकर बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। आपको मिरर करें, आप को सोचे तो आपसे ये हील हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं। इवन आपके पार्टनर आज के दिन में बहुत ज्यादा इमोशनली स्टक हो सकते हैं, मतलब अपने इमोशंस के चलते आपसे बातचीत ना कर पाना, चाहने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, ऐसी भी वाइब्रेशंस यहां पे है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है, तो कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, मदर नेचर के बहुत ज्यादा करीब हो सकते हैं, या हीलिंग म्यूजिक सुने, या कुछ इस तरीके के बहुत दूर, दुनिया से दूर, किसी कूल काम डाउन एनर्जी में ये अपने आप को रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, वेजिटेशन से रिलेटेड हो, मतलब इनको ये जो वाइब्रेशन है ये अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, ठीक है। बॉटम से एंजाइटी की भी एनर्जी है, टेंशन में क्यों है आज के दिन में हो सकते हैं, कैसी पॉसिबिलिटीज एंजल्स। यस, ट्रैवलिंग को लेकर टेंशन हो सकती है कि आपके पार्टनर को कहीं अचानक से जाना पड़ जाए, या जाने को लेकर बहुत ज्यादा सोचे, या फिर यहां पर कोई एक्शन हो सकता है बिजनेस रिलेटेड, या फिर यहां पर कोई नई शुरुआत से रिलेटेड, जैसे इन्हें काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े, बहुत ज्यादा सोचे उस चीज को लेकर, या फिर फादर से किसी तरीके का कन्फेशन करने की एनर्जी भी यहां पे हो सकती है आज के दिन में, कि जैसे फादर से बातचीत करनी हो या ब्रदर से बातचीत करनी हो, कोई बड़ा जो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, जिसके लिए ये बच्चे हैं। होता क्या है, चाहे मेल है या फीमेल है, लेकिन अगर फादर से आप बात कर रहे हैं, बड़े भाई से बात करें, जिसके बीच में और आपके बीच में बहुत एज डिफरेंस है, और नेचर कैसा है सामने वाले का, स्ट्रिक्ट है, स्टबर्न है, जिद्दी है, तो आप रिस्पेक्ट की वजह से थोड़ा सा शाय फील करते हैं। एक बच्चे को अंदर से डर होता है अपने से बड़े का, तो वो डर आपके पर्सन की एनर्जी में आज के दिन में नजर आ रहा है, चाहे इनकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन अगर ये एनर्जी इनकी है तो ये फियर फील करेंगे, ठीक है। ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड कहीं आपको जाते हुए नजर आ सकते हैं, कहीं अचानक से मूवमेंट ले, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये परमिशन ले,
कि इनको जाना है, डिपेंड कि ये खुद को डिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, या अपने ऊपर ही सेल्फ डिपेंडेंट है, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के दिन में इनका कोई काम बन सकता है क्या? लव लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ? लो, ये तो इंतजार ही कर रही थी। विमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है, तो अगर आप किसी फीमेल से डील कर रहे हैं तो ये आपको खुद से कॉल मैसेज कर सकती हैं, और अगर मेल से भी डील कर रहे हैं तो ये खुद से आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, या आपके लिए कोई ऐसा स्टेटस लगाएं कि जैसे इन्होंने दिल ही निकाल के रख दिया आपके पास में। ठीक है, यहां पर एनर्जी है द थिंकिंग वुमन की, तो आज के दिन में जैसे इनके पास सब कुछ होने के बाद भी ये अधूरा सा फील करेंगे, आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने की एनर्जी है, आपके बारे में सोचना, आपको स्पाई करना, या तो आपकी कॉल मैसेज का वेट करेंगे या सामने से कर देंगे, बट फिर भी कुछ ऐसा कि जैसे सब कुछ है लेकिन फिर भी किसी चीज की टेंशन है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर अगर नो कॉन्टेक्ट में है तो एक्शन के बारे में सोचे, क्योंकि यहां पर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। एक्शन के साथ में एंजाइटी है, मतलब आपके पर्सन सफरिंग में दिख रहे हैं, एक्शन को लेकर आपकी तरफ एक्शन से रिलेटेड सोच सकते हैं, टेंशन ले सकते हैं कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की आज के दिन में है। सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आज की। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।